वस्तुतः प्राणी समुदाय के चारों ओर आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा वनस्पतियों से आच्छादित पृथ्वी का जो आवरण है वही पर्यावरण कहलाता है। भला ऐसा वह कौन सा पाषाण हृदय होगा जो सावन भादों की वर्षा ऋतु में झूमते हुए वृक्षों, इठलाती हुई नदियों, बर्फ एवं दिव्य औषधियों की चादर ओढ़े हुए पर्वतों, लहराते हुए सागरों तथा उषाकाल की लालिमा के साथ उगते हुए सूर्य को देखकर मंत्रमुग्ध न हुआ। यही कारण है कि उपनिषदों के ऋषियों ने जीवन को पोषण देने वाले इन पदार्थों में ईश्वरीय सत्ता का अस्तित्व स्वीकार किया है। श्वेताश्वतर उपनिषद के शब्दों में, यो देवो अग्नौ यो आप्सु यो भुवनम् विवेश, यौषधीषु वनस्पतेषु तस्मै देवाय नमो नमः, नमो नमः। जो आनंद स्वरूप परमात्मा अग्नि में, जल में, संपूर्ण जगत में, औषधियों में तथा वनस्पतियों में अपनी सत्ता से विद्यमान है, उसे प्रणाम है। क्या हमने कभी सोचा भी है कि यदि मात्र 5 मिनट के लिए भी पृथ्वी पर वायु अर्थात ऑक्सीजन का अस्तित्व न रहे तो क्या परिणाम होगा? क्या उस अवस्था में इस सृष्टि का इतिहास लिखने वाला भी कोई जीवित रहेगा? या हमारे अहंकार को पोषित करने वाले ये गगनचुंबी भवन रहेंगे? यदि हमें कुछ दिन जल न मिले तो हम कब तक जीवित रहेंगे? पृथ्वी से वनस्पतियों का लोप होते ही न तो कोई शाकाहारी प्राणी बचेगा और न ही कोई मांसाहारी। तथा कथित आधुनिक विकास का मुखौटा पहनकर स्वयं को सभ्य कहलाने वाला मानव यह भूल चुका है कि पर्यावरण को प्रदूषित करके वह ऐसे दिवा स्वप्न का शिकार हो रहा है जिसमें वह जिस डाल पर बैठा है उसी को काट रहा है।